नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। छठ दिवाली से पहले रेलवे का यात्रियों को मिला बड़ा तोहफा। कोविड-19 के माहौल में ट्रेनों की संख्या भी फिलहाल कम है, मगर पर्व त्योहारों को देखते हुए रेलवे ने और अधिक स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया है। पूर्व मध्य रेल आगामी त्योहारों में यात्रियों की होने वाली भीड़ की संख्या को ध्यान में रखते हुए उनके क्षेत्राधिकार के विभिन्न स्टेशन से खुलने और पहुंचने और गुजरने वाली 14 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेन को चलाने का फैसला लिया है। ECR के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने चलाई जाने वाली 14 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेन के बारे में विस्तृत ब्यौरा देते हुए बताया है कि गाड़ी संख्या 03185 सियालदह जयनगर पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन 20 अक्टूबर से 30 नवंबर तक प्रतिदिन किया जाएगा। इसी तरह 03186 जयनगर सियालदह पूजा स्पेशल 20 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक प्रतिदिन चलेगी। वहीं 03021 हावड़ा रक्सौल स्पेशल 20 अक्टूबर से 30 नवंबर तक, साथ ही 03022 रक्सौल हावड़ा स्पेशल ट्रेन समेत कई अन्य ट्रेनों का परिचालन 20 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक करवाया जाएगा। बिहार बोर्ड इंटर सेंटर परीक्षा की तारीख में फिर हुआ बदलाव। बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2021 के सेंटर परीक्षा की तारीख में बदलाव कर दिया है। अब यह परीक्षा 11 से 19 नवंबर तक आयोजित होगी। पहले यह तारीख 15 अक्टूबर से 5 नवंबर तक तय की गई थी। पहली बार ऐसा होगा जब बिहार बोर्ड सेंटर परीक्षा का प्रश्न पत्र तैयार करने वाली है। प्रश्न पत्र के लिए विद्यार्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। जो भी छात्र इस परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे वही इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2021 में शामिल होंगे। इस परीक्षा में प्रश्न पत्र का पैटर्न पूरी तरह से वार्षिक परीक्षा की तरह आयोजित करवाया जाएगा। इससे छात्रों को प्रश्न के पैटर्न की भी जानकारी मिल जाएगी। इस परीक्षा के प्रायोगिक परीक्षा भी बोर्ड द्वारा ली जाएगी। परीक्षा लेने के बाद मूल्यांकन और रिजल्ट स्कूल स्तर पर तैयार किया जाएगा। इतना ही नहीं, बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने इस बाबत जानकारी भी साझा कर दी है। बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरीके से है तैयार। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही हैं। इसी क्रम में कांग्रेस भी आज से अपना चुनावी बिगुल फूंकने जा रही है। बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस के खास रणनीतिकार रणदीप सुरजवाला और मोहन प्रकाश आज पटना पहुंच चुके हैं। उनके साथ प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल भी मौजूद थे। अब यह नेता चुनाव तक यहीं पर रहने वाले हैं। इसके लिए पटना में उनके आवास की व्यवस्था भी पार्टी की तरफ से करवा दी गई है। यह नेता राहुल गांधी सहित तमाम वरीय नेताओं की रैलियों की व्यवस्था के साथ साथ चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। आपको बता दें, आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने इस बार बिहार में पूरी तरीके से ताकत झोंकने का फैसला लिया है। चुनाव से पहले 400,000 आबादी की होगी कोविड-19 जांच। बिहार के कंटेनमेंट जोन में आने वाले आबादी की वोटिंग प्रक्रिया पर फिलहाल असमंजस की स्थिति देखने को मिल रही है। चुनाव से पहले अभियान चलाकर राज्यभर के कंटेनमेंट जोन के लोगों को अब कोविड-19 जांच करवाया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही उनकी वोटिंग के लिए प्रशासनिक रणनीति बनाई जाएगी। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत कंटेनमेंट जोन के लिए तारीख निर्धारित करते हुए टेस्ट कराने का आदेश दे चुके हैं। प्रधान सचिव ने बिहार में चुनाव के 3 चरणों से ठीक पहले जांच के भी 3 चरण निर्धारित किए हैं। विभाग के इस निर्णय के साथ ही सभी जिलों में इसके लिए आवश्यक तैयारी शुरू करवा दी गई है। राज्य स्वास्थ्य समिति के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में अभी करीब 360 कंटेनमेंट जोन सक्रिय है। इतना इनमें रहने वालों की आबादी भी लगभग 400,000 बताई जा रही है। अब इन 400,000 लोगों की जांच 3 चरणों में पूरी करवाई जाएगी। इनके जांच रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय किया जाएगा कि कंटेनमेंट जोन के लोग वोटिंग कैसे करेंगे। बिहार दौरे पर पहुंचे जेपी नड्डा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार पहुंच चुके हैं। मिली जानकारी के अनुसार आने वाले 2 दिनों तक वो यहां कई जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। इसके साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर आगे की चुनावी रणनीति पर भी चर्चा करने वाले हैं। गुरुवार और शुक्रवार को वो 2 दिन में 4 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख ने इस बात की जानकारी दे दी है और बताया है कि गुरुवार को बिहार दौरे पर रहे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब 16 अक्टूबर को वापस लौटेंगे। वहीं आज दोपहर में कराकाट के विक्रमगंज मैदान में आयोजित जनसभा को जेपी नड्डा ने संबोधित किया। 16 अक्टूबर को वो दोपहर बांगा के बाराहाट के साथ साथ हिसुआ इंटर विद्यालय में आयोजित होने वाली जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बिहार झारखंड और यूपी में बारिश की बढ़ी संभावना। बिहार झारखंड यूपी समेत कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की माने तो बिहार झारखंड यूपी में बारिश की संभावना देखी जा रही है, क्योंकि सीजन का पहला डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी पर विकसित हो चुका है। इसके बाद अब कुछ दिनों में ठंड भी दस्तक दे सकती है। मौसम विभाग की माने तो आसपास के राज्यों में हो रही बारिश का असर बिहार में भी देखने को मिलने वाला है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, इस साल बिहार में काफी अच्छी बारिश हुई है, जिससे किसानों को काफी ज्यादा फायदा मिला है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे मनोज सिंह की। मनोज सिंह का जन्म 15 अक्टूबर 1990 को बिहार के देहरी इलाके में हुआ था। मनोज सिंह एक भारतीय क्रिकेटर हैं। उन्होंने 27 अक्टूबर 2016 को रणजी ट्रॉफी 2016-17 में छत्तीसगढ़ के लिए प्रथम श्रेणी में पदार्पण किया था। अक्टूबर 2017 में उन्होंने 2017-18 में रणजी ट्रॉफी में गोवा के खिलाफ छत्तीसगढ़ के लिए अपना पहला प्रथम श्रेणी शतक बनाया था। उन्होंने 29 जनवरी 2017 को 2016-17 इंटर स्टेट 2020 टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ के लिए अपना 2020 डेब्यू किया था। उन्होंने 25 फरवरी 2017 को विजय हजारे ट्रॉफी 2016-17 में छत्तीसगढ़ के लिए अपनी सूची 1 की शुरुआत की थी।
आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने किया उन्हें याद। देश के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज 79वीं जयंती है। वहीं आज उनके जयंती के शुभ अवसर पर देश के कई दिग्गजों ने उन्हें सलाम किया है, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने उन्हें उनकी जयंती पर याद किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी जयंती पर उन्हें याद करते हुए कहा कि भारत राष्ट्रीय विकास के प्रति उनके अमिट योगदान को कभी नहीं भूल सकता। मोदी ने डॉक्टर कलाम की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए आगे कहा कि डॉक्टर कलाम को उनकी जयंती पर श्रद्धा सुमन। राष्ट्रीय विकास के प्रति भारत उनके अमिट योगदान को कभी नहीं भूल पाएगा, चाहे वो एक वैज्ञानिक अथवा चाहे देश के राष्ट्रपति के तौर पर रहे हों। उनकी जीवन यात्रा लाखों लाख लोगों को शक्ति देती है। वहीं दूसरी तरफ अमित शाह ने भी उन्हें उनकी जयंती पर याद किया है और कहा कि विज्ञान के क्षेत्र में उनकी अमिट विरासत सर्वदा प्रेरणा का प्रतीक रहेगी। भाजपा सांसद भूपेंद्र यादव ने कहा कि जो महागठबंधन नहीं चला सके वो बिहार कैसे चलाएंगे। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बयानबाजी का सिलसिला भी लगातार जारी है। इसी क्रम में भाजपा ने एक बार फिर से राजद को निशाने पर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार में भाजपा के निवर्तमान विधायक से प्रत्याशी गायत्री देवी की नामांकन सभा में भाजपा के प्रदेश संगठन प्रभारी से राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव ने कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील से अवगत करवाया है। इसके साथ ही उन्होंने राजद और कांग्रेस पर तंज भी कसा और कहा कि जो महागठबंधन को एक साल तक नहीं चला पाए वो बिहार को क्या चला पाएंगे। उन्होंने कहा कि उन्हीं के गठबंधन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा कहती है कि राजद के पास शिष्टाचार नहीं है। जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी एक साल में ही ठगा महसूस करने लगे हैं। वो बिहार की जनता को कैसे सही राह पर विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। उन्होंने कहा है कि भाजपा गठबंधन धर्म का पालन करती है, बिहार के विकास के लिए गठबंधन मजबूत है। बिहार में काबा और बिहार में ईबा के बाद अब कांग्रेस का किए हो अभियान हुआ शुरू। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सोशल मीडिया पर भोजपुरी में शुरू हुए अभियान में कांग्रेस भी रंगा नजर आ रहा है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार में काबा और बिहार में ईबा के बीच कांग्रेस ने भी अपनी मुहिम को शुरू करने का फैसला लिया है। प्रदेश प्रवक्ता राजेश राठौर की तरफ से साझा किए गए बयान के अनुसार कांग्रेस सोशल मीडिया द्वारा राज्य की एनडीए सरकार के खिलाफ का किए हो मुहिम की शुरुआत करने वाली है। उन्होंने बताया है कि वर्तमान में राज्य की एनडीए सरकार के कुशासन से जनता परेशान है। इस प्रताड़न को आवाज देने के लिए कांग्रेस द्वारा इस मुहिम को चलाया जाएगा। पार्टी द्वारा पोस्टर, बैनर, वीडियो के माध्यम से एनडीए सरकार के 15 साल के काम को उजागर किया जाएगा और अब जनता सरकार से हिसाब मांगेगी। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले ही जहां एक तरफ विपक्षी दलों ने सरकार से सवाल पूछा था कि बिहार में काबा, जिसके जवाब में सरकार ने भी बिहार में ईबा की शुरुआत की थी। भारत विरोधी बयान देने पर बुरे फंसे फारूक अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार अनुच्छेद 370 पर विवादित बयान देने के कारण अब मुजफ्फरपुर के कोर्ट में भारत विरोधी बयान देने का मामला दर्ज हो गया है। कोर्ट ने इस पर अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को तय कर दी है। आपको बता दें, फारूक अब्दुल्ला के इस बयान पर मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट ने मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है, जिसमें कहा गया है कि अब्दुल्ला पर भारत विरोधी बयान देने के लिए मामला दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि बीते दिन फारूक अब्दुल्ला ने कथित रूप से कहा था कि जहां तक चीन का सवाल है, मैंने तो कभी चीन के राष्ट्रपति को यहां बुलाया नहीं। हमारे वजीरे आलम यानी कि प्रधानमंत्री ने उन्हें गुजरात में बुलाया, उन्हें झूले पर बिठाया, उन्हें खूब खिलाया, मगर उन्हें वो पसंद नहीं आया और उन्होंने आर्टिकल 370 को लेकर कहा कि हमें यह कबूल नहीं है और जब तक अब आर्टिकल 370 को बाहर नहीं करेंगे हम रुकने वाले नहीं है। आईपीएल के 13वें संस्करण में आज एक दूसरे के आमने सामने होगी आरसीबी और किंग्स इलेवन पंजाब की टीम। आईपीएल के 13वें संस्करण में आज आरसीबी और किंग्स इलेवन पंजाब की टीम एक दूसरे से भिड़ने वाली है। आरसीबी पिछले मैच को जीत कर आई थी, वहीं किंग्स इलेवन पंजाब भी आज जीत के इरादे से मैदान में उतरने वाली है। किंग्स इलेवन पंजाब को अपने 7 में से 6 मैच में हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन किंग्स इलेवन पंजाब इस तथ्य से विश्वास उठा सकता है कि टूर्नामेंट में एकमात्र जीत आरसीबी के खिलाफ आई है। वहीं दूसरी तरफ आरसीबी की टीम आज भी अपनी जीत को बरकरार रखने की कोशिश करेगी। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता लौटी सोशल मीडिया पर। दिवंगत बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह की सोशल मीडिया पर वापसी हो गई है, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी है। मालूम हो, बुधवार को श्वेता का इंस्टाग्राम, ट्विटर अकाउंट अचानक से गायब हो गया था, जिस पर फैंस ने अपनी चिंता जाहिर की थी, लेकिन अब वो सोशल मीडिया पर फिर से वापस आ गई है। इसके साथ ही उन्होंने अकाउंट के डीएक्टिवेट होने का कारण भी बताया। श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्वीट करते हुए लिखा कि माफ कीजिएगा, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट को बार बार लॉग इन करने की कोशिश की जा रही थी, इसलिए उन्हें इसको थोड़े टाइम के लिए डीएक्टिवेट करना पड़ा। इस पर फैंस अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ ने लिखा है कि आपकी चिंता हो रही थी, दूसरे यूजर ने कमेंट किया है कि हम घबरा गए थे। वहीं एक यूजर ने श्वेता से पूछा है कि आप ठीक तो है ना।
देश में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 73 लाख के पार। देश में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 67,708 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 73,07,098 पर पहुंच गई है। वहीं बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 680 लोगों की जान चली गई है, जिसके बाद जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 1,11,266 पर पहुंच गई है। वहीं अब तक 63,83,441 मरीज कोविड 19 को मात देकर घर वापस लौट चुके हैं। देश में रिकवरी दर की बात करें तो यह दर 87.35% पर पहुंच गई है। वहीं जान गंवाने वालों की दर 1.52% पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के माने तो वर्तमान समय में 8,12,390 मरीज सक्रिय हैं। हालांकि भारत में प्रभावितों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, जिसको स्वास्थ्य मंत्रालय अच्छे संकेत मान रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी साफ कहा है कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आगामी विधानसभा चुनाव में आपके अनुसार किस युवा चेहरे के चमकने की उम्मीद ज्यादा है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।